मैं सबके सामने आपको कैसे बताती? फुलफुल ने बहुत बड़ा कांड कर दिया है। क्या बोल रही? कैसा कांड? अरे सब कुछ इतने अच्छे से हुआ है, सारी रस्में, नाच गाना, खाना अच्छे से, और खाना। माँ, मैं आपको सिर्फ सच बताऊंगी ना तो आपको मुझ पर यकीन नहीं होगा, इसलिए आप खुद चलिए मेरे साथ और खुद अपनी आंखों से देखिए। पुल ने एक बार भी अपने सासरे वालों के इज्जत के बारे में नहीं सोचा। बहुत बड़ा झूठ बोला है बुलबुल ने, धोखा दिया है उन्हें। चलो माँ, मेरे साथ चलो। बुलबुल ने हम सबको धोखा दिया। वार्निका जी, दादी हमारे साथ आओ। आइए आइए मेरी फ्यूचर सासू माँ। मुझे पता है आपके दिल में जगह बनाना कितना मुश्किल है, और इससे पहले कि आप बुलबुल को इस घर की बहू मान लें, मैं साबित करूंगी कि इस घर और वीर के लायक वो नहीं, मैं हूं। बुलबुल, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है आज तुमने जो कुछ भी किया है वो जानबूझकर किया? जानबूझकर नहीं करती तो इस घर से निकाली कैसे जाती थानेदार साहब? जब तक मैं इस घर में हूँ, आप सब पर मारे बाबा साहब के झूठ की सजा का साया मंडराता रहेगा। ये देखो क्या किया बुलबुल ने, और उसे डर भी नहीं लगा। ये सब तो खाली डब्बे हैं। ये देखो, ये इस खाने का बिल है। ये कट्टे की सब्जी, ये खीर, ये दाल, ये बाटी, ये प्याज की कचौड़ी, मूंग दाल के पकौड़े, पूरी, ये और ये राइस। ये खाना कहाँ देखा है अभी आपने? और इन खाली डब्बों में क्या आ सकता है माँ? ये सब तो आज का खाना। एकदम सही, आपको तो अच्छे से पता है ना कि बुलबुल को किचन का काम बिल्कुल भी नहीं आता है, तो खाना बनाना तो बहुत दूर की बात है। और आज उसने अपनी मुंह दिखाई में ये सारा खाना बाहर से मंगवाया और सबको झूठ बोला कि ये सब उसने बनाया है। ना, बुलबुल ऐसा ना कर सके। हाँ, आप क्या बोल रहे हो? ये देखो सबूत, ये झूठ थोड़ी ना हो सकते हैं। और माँ, मुझे तो इस बात का डर है कि जब ये सब कुछ बुलबुल की सासू माँ को पता चलेगा तब क्या होगा? तो वो होगा जो तुम सोच भी नहीं सकते। आज तुम्हारी मुंह दिखाई है, तुमने मेहमानों को खुश किया, इसीलिए ये तुम्हारे लिए। हमारा खानदानी हार है, मेरी सास ने मुझे दिया था और आज मैं अपनी बहू को दे रही हूं। इस हार के साथ इस परिवार की, इस घर की इज्जत, मान मर्यादा सब तुम्हारे हवाले है। दादी, बुलबुल चाची को झूठ बोलने के लिए डांटने की जगह अब मम्मा वाला हार दे रही है। मेहमानों के सामने कोई तमाशा नहीं, घर वालों की बात घर वालों के सामने होगी।